हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन। थैंक यू। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल का, जिसकी वर्टिसेस गिवन है और टेक ऑर्डर में लेना है। एक ऑर्डर में आपको फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया 7.3 में जो फार्मूला है उसके हिसाब से आप कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला तो आपको अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग होता है, तो उसका फार्मूला अलग अलग आपको मालूम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। लेकिन यहाँ पर कैसे निकलेगा कि आप देखिए, क्वाड्रिलेटरल चार साइड से मिलकर बना होता है। बना दिया रैंडम क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी मान लेना आपको, ए बी सी डी नाम दे दिया, चार पॉइंट है जो वो दे देते हैं, -4, -2 बी पॉइंट में है, -3, -5 और सी में है 3, -2 और डी में है 2, 3। इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए x1, y1 है और इसे मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, ये हो गया आपका x3, y3, जो रह गया वो x4, y4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो दो ट्रायंगल बन गया ना, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी और बी सी डी। ठीक है, या फिर इसे ना माने तो एक ट्रायंगल इसे आप मान सकते हो, ए बी सी और ए सी डी, एक ट्रायंगल बन गया। इस तरह से आप तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। आप याद रखें, जब इस ट्रायंगल का एरिया इस तरह से आप निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब पहले इसे कंसीडर कर रहे हो, फिर इसे इस पॉइंट को, तो इसे भी इस तरह निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी सी पहले निकाल लेंगे, फिर ए सी डी निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू पहले ये x लेते हैं। ठीक है, x लिया x1, फिर आगे वाले से आगे वाले के y को माइनस कर देते हैं, मतलब ए बी सी ले रहे हैं ना, y2 माइनस y3, फिर क्या है x2 लिया तो क्या हुआ y3 माइनस y1, फिर क्या है x3 लिया, ये y1 माइनस y2। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, x1 की जगह पर है आपका -4, अब वहाँ मिला लेना, x1 की जगह पर है -4 और y2 माइनस y3 हो जाएगा आपका -5, -2। ठीक, प्लस x2 की जगह पर है -3 और फिर y3 माइनस y1। ठीक, फिर है x3 की जगह पर है आपका 3 और y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस -5। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करने के बाद 1/2, -4, -5, ये -2 हो जाएगा, +-3, ये -2, -+ हो जाएगा, +3, -2, इसकी ये ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, और -2, -+ हो जाएगा, -+ यानी कि माइनस होने के बाद कितना बचेगा, -3 प्लस, ये -3 से क्या मल्टीप्लाई होगा, -++ यानी कि 0 हो जाएगा ये, तो प्लस ये क्या हो गया -++ मतलब यहाँ +3 बचेगा, 3 इंटू 3। चलिए 1/2
फोर थ्री था 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, प्लस थ्री थ्री था 9, ये क्या हो गया आपका 1/2। 12 और 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21। 21 क्या आ गया आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया है? ABC का 21/2। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम दूसरा एरिया निकालते हैं ACD का। ABC का निकाला, अब ACD का निकालेंगे। ACD का 21/2, इसमें फार्मूले में ज़रा चेंजेस आएगा, फार्मूला वही है बस नाम चेंज बदल जाएगा, X1 से एक हो सकता है कुछ और हो जाए। अब ABC निकाल चुके थे, अब क्या निकलेंगे? ACD, ACD क्या हो जाएगा 1/2। आप इक्वल इस तरफ सामने लिखना, इक्वल किस तरफ, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं 1/2 ACD में। पहले ये वाला लेंगे X1, इसके आगे वाला Y क्या है? Y3 माइनस Y4 प्लस X3 Y4 माइनस Y1 X1 X3, अब क्या लेंगे X4 प्लस X4 Y1 माइनस Y3। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, X1 की जगह पर क्या है आपका -4, Y3 माइनस Y4 का मतलब है -2 माइनस Y4 माइनस 3, उसके बाद प्लस X3 की जगह पर क्या है 3, Y4 माइनस Y1, यानी कि 3 माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट देते हैं, प्लस X4 की जगह पर है आपका 2, Y1 माइनस Y3 माइनस 2। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस फोर तो पहले से है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 हो गया, ये 3 प्लस 2 भी 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस 2, इसे एक साथ सॉल्व कर देते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 और +2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 5 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 और ये प्लस 0, 2 × 0 0 हो गया। अब 20 + 15 35 हो गया, 35 ÷ 2 स्क्वायर यूनिट ये आया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ, क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालना, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ABC का क्या आया था 21/2 स्क्वायर यूनिट था, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ACD क्या आया 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे एक लाइन, एक स्टेप और है, क्वेश्चन मिटा देते हैं और ऊपर का एक सॉल्यूशन वाली लाइन। देखिए 21/2 ये ऐड कर देना आपको, 21/2 प्लस 35/2, इसे भी मिटा देते हैं, LCM 2, 21 प्लस 35, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 56, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 8 ज़ा 16, कितना आ गया आपका एरिया, कितना आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सही है ना, 2 LCM हो गया आपका, उसके 21 प्लस 35, 5 प्लस 1 6 हो गया, और 3 2 5 56, और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ा 4, और ये 1 इज 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की क्या हो गया 28
स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर, आगे जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है या फिर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बच रहा है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 7.3 का, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।